और यूरोप के अंदर जो पॉपुलरिटी की बात करें तो फुटबॉल के बाद नंबर टू पे हैंडबॉल आता है। तो अगर लीग शुरू होने से हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया के अंदर भी ऐसा ही जुनून बच्चों में देखने को मिलेगा जो अच्छी टीम में खेलते हैं, वैसा ही मैं अपनी टीम को कोचिंग देने का काम करूँगा और वैसा ही हैंडबॉल बच्चों को दिखाऊंगा, इंडिया को दिखाऊंगा कि हैंडबॉल ऐसे खेलने जाए। गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश हैव एनलिस्टेड द सर्विसेज ऑफ अनूप सिंह कासवान एज द हेड कोच। He has been involved in the game for a long time, assuming the role of a player, coach, and even an international referee. Mr. Kaswan brings loads of experience to the table. मैं हैंडबॉल जो है लगभग 89 में मैं खेलने लगा था। 14-15 ईयर मेरा अपने इंकरी रहा, उसके बाद फिर मैंने NIS कोच के लिए कोर्स होता है वो किया, फिर मैंने DPED MPED MPhil PhD UGC क्वालिफाई किया और अभी कोचिंग में काफ़ी 10-12-15 साल से मैं कोचिंग में हूँ, रेफरी रहा हूँ, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेफरी रहा हूँ और अभी मैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स हमारा जहाँ कोच तैयार होते हैं इंडिया के एक ही जगह पटियाला, वहाँ मैं चीफ कोच हूँ। बिल्कुल, हम जब दूसरे गेम की लीग देखते थे सोचते थे कि कभी हमारी इस हैंडबॉल गेम को, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में हैंडबॉल को नहीं जाना जाता, नहीं पहचाना जाता, हम सोचते थे कि अगर लीग हो तो उससे पूरे इंडिया में गांव-गांव तक, हर बच्चे तक, हर स्कूल तक जो हैंडबॉल, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फास्ट गेम है हैंडबॉल, वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट गेम बॉल गेम के अंदर अगर किसी गेम का नाम आता है तो वो हैंडबॉल, और यूरोप के अंदर जो पॉपुलरिटी की बात करें तो फुटबॉल के बाद नंबर टू पे हैंडबॉल आता है। तो अगर लीग शुरू होने से हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया के अंदर भी ऐसा ही जुनून बच्चों में देखने को मिलेगा और हम धन्यवाद करना चाहते हैं हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हमारी जो एशियन फेडरेशन है और इंटरनेशनल फोर्टी, जिन्होंने ये सोचा कि हम लीग शुरुआत करें और लीग करने से डेफिनेटली जो हैंडबॉल का जो प्रारूप होगा इंडिया के अंदर वो आने वाले समय में बेहतरीन होगा। वंडरफुल, हमने इसके लिए जो लीग के जितने भी मेंबर हैं उनको भी बधाई भी दे दिया है कि भाई हम इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसा ऑप्शंस होगा और आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे लेवल के खिलाड़ी इस लीग के अंदर आए और जो ऑनर्स हैं टीम के, सभी जो 6 टीम के ऑनर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी मैं देख रहा था, बींग ए कोच, बींग एक्सपर्ट एंड बॉल की बड़ा इंटरेस्ट लेगी वो, इसका मतलब लग रहा है कि वो दिल से जुड़े हैं हैंडबॉल खेल से, इस लीग से, और डेफिनेटली ये जो लीग है ये आने वाले समय में भारत की नंबर वन लीग हैंडबॉल जो होगी। बिल्कुल, एक दो खिलाड़ी हो जाता है उधर उधर क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पॉइंट्स थे, उस पॉइंट्स के आधार पर हमें खिलाड़ियों का तालमेल बनाना, पर जो जो प्लानिंग थी मेरी और मेरे जो ओनर्स हैं, हमने पहले वर्क किया था पेपर वर्क, उस पेपर वर्क पे हम डेफिनेटली कामयाब रहे।